जानता है। इल्म ही से इंसान अपने वालिदैन के मरातिब को समझता है और अपने बुजुर्गाने दीन की खिदमात को समझता है और जानता है और उन पर अमल करता है। हज़रात मोहतरम, हदीस पाक के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा, यानी तुम में बेहतरीन वो है जो इल्म दीन यानी कुरान पाक सीखे और सिखाए। और एक जगह और इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो जब तक वो इल्म दीन हासिल करने के लिए रास्ते में रहता है और जब तक कि वो घर वापस ना आ जाए तब तक वो अल्लाह की राह में होता है। इस दौरान अगर उसका इंतकाल हो जाए तो वो शहीद हो जाता है, वो शहीद के रुतबे को जाकर के पहुंचता है। इसी तरीके के साथ एक और हदीस पाक के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन तक जाना पड़ेगा। मुल्क चीन से मुराद यहाँ ये नहीं कि मुल्क चीन में ही जाना पड़े, बल्कि ये है कि तुम्हें दूर दराज इलाके के अंदर अगर जाना पड़े तो इल्म दीन हासिल करने के लिए वहाँ तक पहुँचो। और इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर तुम्हें भूख और प्यास बर्दाश्त करना पड़े तो वो भी करो, और जितनी भी मशक्क़तें इस दौरान तुम्हें उठानी पड़े वो सब उठाओ। एक बुजुर्ग गुजरे हैं शाह बकर उद-दीन इब्ने मखलद, आप बहुत बड़े आलिम भी हैं और अल्लाह के बहुत बड़े वली भी हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपने के आलम में आपको इल्म दीन हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ, आपने सोचा कि मुस्तफ़ा करीम की हदीसें मुझे भी कम से कम कुछ ना कुछ याद होनी चाहिए और इल्म दीन हासिल करो, फ़राइज़ व वाजिबात और शराइत को मैं पहचानूँ और समझूँ। तो आप एक आलिम दीन के पास गए और जाने के बाद आपने उनसे मुतालबा किया कि हज़रत मुझे आप प्यारे नबी की हदीसें पढ़ा दीजिए, शरीयत मुतहरा के तमाम तर मसाइल मुझे उनसे मुझे आगाह कर दीजिए। तो आपने कहा कि बेटे तेरा जो म्यार है वो बड़ा है और मेरे पास इल्म जो है तेरा ज़र्फ़ बड़ा है और मेरा इल्म जो है वो छोटा है, लिहाजा तो किसी बड़े आलिम के पास चला जाता है। आपने कहा कि हज़रत आप ही मेरी इस्लाह फरमाएँ, आप ही मुझे राय देंगे मैं किस आलिम के पास जाऊँ। आप रहमतुल्लाह अलैह आपके उस्ताद ने फरमाया कि बेटे अगर ऐसा हो सके तो तू बगदाद शरीफ में चला जा, वहाँ हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चला जा, वो हदीस के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आज भी सऊदी अरब के अंदर मक्का मुकर्रमा के अंदर उनके मसलक के मुताबिक ही फतवा दिया जाता है। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वहाँ से रखते सफ़र बांधा, सामान सफ़र बांधा और बांधने के बाद चल पड़े बगदाद शरीफ की तरफ। जब बगदाद शरीफ की तरफ रवाना हुए तो जहाज़ के अंदर बैठे और बैठने के बाद समंदर के अंदर इतना तेज़ तूफ़ान आया, तूफ़ान जब आया तो तूफ़ान ने जहाज़ का रास्ता है वो जो था वो बदल दिया, जाना इस साइड था चले गया, जहाज़ जो था वो उस साइड चला गया। और जब वहाँ पहुँचा तो पहुँचने के बाद वहाँ जब जहाज़ से उतरने के बाद लोगों ने पूछा कि यहाँ से बगदाद शरीफ का सफ़र कितना है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ से सवा महीना पैदल लगता है बगदाद शरीफ जाने के लिए। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वहीं से इरादा कर लिया कि चलते हैं आप बगदाद शरीफ की तरफ। जो साजो सामान लेकर के पहुँचे गए थे साथ में वो रास्ते में ख़त्म हो गया। तो जब चलने लगे तो रास्ते में पत्ते खाते, ये अपना साजो सामान ख़त्म होने के बाद पत्ते खाते और ऐसी इसी तरीके से गुजारा करते, कभी भूखा रहे। और इसी तरीके के साथ जब वो बगदाद शरीफ पहुँचे, बगदाद शरीफ पहुँचने के बाद वहाँ जाकर के पता चला कि हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसा पढ़ाने पर पाबंदी लग गई है। बादशाह वक्त किसी वजह से नाराज़ हो गया और उनके मकान को नज़रबंद कर दिया गया। जब ऐसा हुआ तो वहाँ लोगों से आपने मशवरा किया कि आप मुझे सिर्फ इमाम अहमद बिन हंबल का मकान बता दें, उनका दरवाज़ा बता दें कि उनका घर किधर है, मैं चला जाऊँगा। एक शख्स ने कहा कि मैं हाथ का इशारा नहीं करूँगा, उंगली का इशारा नहीं करूँगा, बल्कि आँख का इशारा करूँगा। उसने रास्ते से बताया कि वो जो मकान है वो इमाम अहमद बिन हंबल का है। रात को वापस आने के बाद आपने अपना बेस बदल लिया, लिबास बदल लिया, फटा कुर्ता पहना तहमत जो थी उसको भी फाड़ दिया। फाड़ने के बाद बाल जो थे वो बिखेर दिए। बाल बिखेरने के बाद आपने भिखारी वाला रूप अख्तियार कर लिया। इस जमाने में कहते हैं ना कि अल्लाह तेरा भला करे, भिखारी जब बेग मांगते हैं या मांगते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पर दे दे। उस वक्त कहा करते